इनको पुलिस मारा था उसमें हम टीवी पर देखे थे क्या गति कराया था इनको, जे आज हमको याद है, नजर के सामने लगता है हम देख रहे हैं, टीवी पर जो दिखाए थे ना, मिले हैं ना तो अभी ना मिले, क्या बोले, बोले जैसे कि जय होगा विजय के डंका बजेगा, बोल दिए हैं गांव में हमारे बार बार रखा चाहे हैं समाज के बात है तो फिर दूसरा के कहे देंगे, फर्क नहीं, मोदी जी को आने से कोई फर्क नहीं है, यहाँ पड़ेगा, यहाँ जमीनी नेता होना चाहिए। हम जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और ये देव गांव है, जैसा कि आप जानते होंगे ये गांव कोई पर्चे के मोहताज नहीं है, यहाँ ग्रामीण लोग हैं और चुनावी चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं कि जो लोग हैं चुनाव में वोट करने जाएंगे, लोकसभा का चुनाव है, सभी नेताजी घूम रहे हैं, इनका विचार क्या है, अपना विचार नेताजी के पास कितना रखने का प्रयास किए हैं, क्या नाम है? हमारा जितेंद्र सिंह नाम है। लोकसभा का चुनाव आ गया है, मतदान का क्या विचार बनाए हैं? मतदान देने के लिए जो हमारे सभी समाज से जुड़े हुए जो व्यक्ति है उसको हम स्वीकार करते हैं। ए आशुतोष कुमार जो हैं, हमने हमारे गांव में 3 बार या 4 बार आ चुके हैं और सभी समाज के लोगों से इनको संपर्क बना हुआ है। आशुतोष जी को कितना दिन से जानते हैं? हम करीब 10 साल से जानते हैं। 10 साल से? जी हाँ, 10 साल से हमारे गाँव में आ रहे हैं। अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं आशुतोष कुमार जी, पिछला बार मतदान किनको किए थे? पिछले बार चंद्रवंशी जी को किए थे। तो अब की बार नाराज काहे हो? नाराज हैं, हमारे गांव में एक बार भी कभी ना पेपर में देखे, संसद भवन में देखते हैं, टीवी पर न्यूज में कि सबसे पिछला सीट पर बैठते हैं चंद्रवंशी जी, ये हमारे पास प्रमाण है लिखित, टीवी पर न्यूज में देखे कि पिछला ना कभी किसान के बारे, हम किसान लोग यहाँ जो भी किसान हैं और किसान के बारे में एक शब्द भी कहीं नहीं बोले हैं, कहीं नहीं उनका न्यूज में कोई जगह नहीं है किसान के बारे में कहा शब्द बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग नाखुश है, ना कभी हमारे गांव में आए ना कभी कोई चर्चा चलाए। फिर से मोदी जी आएंगे, कहेंगे फिर से एक बार वोट दे दीजिए, विकास पहुंचेगा आपके गांव। मोदी जी को हम वोट करने के लिए आज भी चाहते हैं कि मोदी जी के देंगे, मगर मोदी जी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिए हैं कि हमें साफ छुछुंदर वाला हाल बना के रखे हुए हैं, देना चाहते हैं मोदी जी को। लेकिन अब की बार आशुतोष कुमार के, अब आशुतोष सभी समाज के वर्ग के लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ये नहीं है कि एक जाति के हैं तो एक जाति के इनमें आदमी है, नहीं, हर समाज के व्यक्ति इनमें जुड़ा हुआ है। जो आशुतोष कुमार को पीछे से टांग खींच रहे हैं, जैसा कहा दिखाया जा रहा है न्यूज में चल रहा है कि आशुतोष कुमार जी के पीछे पीछे पैर खींचने में लगे, उनको क्या कहिए? पैर खींचने वाले सदा खींचते आए हैं, खींचते रहेंगे, उनका वही काम है। आप क्या कहिएगा? हम इनको आगे बढ़ाए हैं, सभी समाज के लोग इनको साथ दे रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है चचा जी? हमारा नाम है रविंदर सिंह। क्या कर रहे हैं आपकी बार मतदान में? मतदान में तो हम देंगे इनको ही वोट। किनको? इनके आशुतोष कुमार जी के। आशुतोष कुमार जी? हाँ। आशुतोष कुमार जी से काहे आप सब इतना खुश हैं? खुश है, गांव में हमारे बार बार रखा चाहे हैं समाज के बात है तो फिर दूसरा के काहे देंगे, सभी समाज से जुड़े हुए हैं। सभी समाज से। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम है राम नरेश शर्मा उर्फ नागा जी। आशुतोष कुमार से मिले हैं? मिले हैं ना तो अभी ना मिले। क्या बोले? बोले जैसे कि जय होगा विजय के डंका बजेगा, बोल दिए हैं। हाँ जी। और जो नेताजी आएंगे उनको क्या कहिएगा? उनको क्या कहेंगे? उनको तो मुहमा पर का कहेंगे, झूठ हो जो बात है से कहेंगे। हाँ जी, हमारे गांव में कहीं नहीं आए, कहीं नहीं आए तो आपको हम वोट कैसे दे सकते हैं? हमरा न सोचते कि हाँ हम केकरा वोट देवे जा रही है, सही है कि गलत है। तो क्या लगता है कि आशुतोष कुमार जी आपके लिए सही काम करेंगे? करेंगे ना तब करेंगे, समाज के नहीं, जितने दूर समाज हैं हमारे संपर्क में सभी समाज का ही काम करने वाले नेता हैं और संघर्षशील हैं, जुझारू हैं, कोई बात रहता हो तो उसको बहुत जोर तोर से पकड़ते हैं। चुनाव चिन्ह क्या है पता है? चुनाव चिन्ह है बैग छाप है। बैग छाप है। क्या नाम है? धनंजय शर्मा। आशुतोष कुमार जी पता चला आपके गांव आए हैं, मिले हैं आपसे? मिले हैं। क्या बोले? वोट लगे बोले हैं, उनको वोट देना है। एकदम दे देना है? दे देना है, हम तो इनको पटना भी गए थे अति में जनसभा लगा था पटना में, गांधी मैदान, इनको पुलिस मारा था उसमें हम टीवी पर देखे थे क्या गति कराया था इनको, जे आज हमको याद है, नजर के सामने लगता है हम देख रहे हैं, टीवी पर जो दिखाए थे ना जी, पुलिस इनको मारा था कौन ढंग से जो हमने देखा है नजर के सामने, फिर भी हमारे सामने आज आके खड़ा है,
फिर भी हमारे सामने आ जाकर खड़ा है, इतना पर भी नजर नहीं झुकेगा सभी समाज को, तो क्या चाहिए नेता को? क्या चाहिए? जो नेता जीत के आज तक आया नहीं, खाली मोदी के नाम पर वोट नहीं देंगे, काम पर वोट पड़ेगा, काम पर। तो मोदी जी आएंगे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी को आने से कोई फर्क नहीं है, यहाँ पड़ेगा, यहाँ जमीनी नेता होना चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ। अरुण कुमार एक है, आकाश में उड़ने वाले नेता है। मोदी जी तो दिल्ली बैठे हुए, मेरे मोदी जी का तो सांसद क्या कर रहा है जो उनको पता नहीं है? तो क्या लगता है कि आशुतोष का आंधी जहानाबाद में चल? बिल्कुल आंधी नहीं, तूफान आने वाला है, आज तूफान आने वाला है, तूफान। हिना सहवारे प्रचार में आशुतोष कुमार का जानते हैं आप? किसान के एक बात भी आज तक चंद्रवंशी संसद भवन में नहीं उठाए हैं, ना क्षेत्र में आए हैं, कहीं कहीं प्रमाण नहीं दे सकते हैं कि हम किसान के बारे में एक काम भी किए हैं। चंद्रवंशी जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि भूमिहार समाज हमारे बुजुर्गों को प्रताड़ित करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये गलत बात है, प्रताड़ित वो करते हैं खुद, अपने आप को हो गए हैं पूंजीवादी, और अपने अपना ही समाज के व्यक्ति को दुर्लभ समझते हैं, अपना ही समाज के आदमी को दुर्लभ समझते हैं। हम लोग नहीं समझते, हम लोग जितना कंधा में कंधा मिलाकर चल रहे हैं उतना उनको क्षमता नहीं है चंद्रवंशी जी को दूसरा से साथ चलने का। हम लोग मिलजुल एक जगह भी बैठे हुए थे, आप आए हैं तो इस जगह चंद्रवंशी हमारे साथ बैठा हुआ था, कहने गया हम बात करवा देते। तो ये सब नाराजगी है, यानी गलत बोल रहे हैं चंद्रवंशी? बिल्कुल गलत, इन लोग जो है आकाश में सिर्फ जनता को बरगलाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों से सुन रहे थे, सबों का अपना अपना विचार था कि चंद्रवंशी जी पे भी बोल ले, आशुतोष कुमार जी पे भी बात रखे अपना, आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। जुड़े रहे मेरे साथ, धन्यवाद।